आकांक्षा फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा पोस्ट। क्या कहना है, अंधेरे राजा का आशीर्वाद लेने आयो? बहुत खुश हूँ मैं, धूप पार्टी के टाइम पे यहाँ पे पहुँच पाई और इस टाइम आज सातवें दिन मैं दर्शन कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, पप्पा ने मेरा पूरे साल बहुत अच्छा साथ दिया और पप्पा से अलग अनोखा रिश्ता है मेरा, स्पेशली जब से मैंने पार्वती किया था, तो ऐसा लगता है कि ये तो फैमिली ही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज ट्रेलर भी रिलीज हुआ है अपकमिंग सॉन्ग का और नया शो साइन कर लिया है, तो बस इसी का आशीर्वाद लेने आई हूँ पप्पा से और इसी एनर्जी के साथ अब स्टार्ट। क्या कहना है, ट्रेलर टीजर आउट हो चुका है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। अच्छा रिस्पॉन्स है पवन सिंह सर के साथ और एक और गाना कर रहे हैं क्योंकि इतना प्यार मिला, तो अब वो एक और धमाकेदार शूट करने वाली हूँ पवन सिंह सर के साथ, क्योंकि आई थिंक लोगों को हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं और देखना चाहते हैं, तो बस दो दिन बाद सॉन्ग रिलीज है, आप लोग देखिए और प्यार करें। क्या एक्सपीरियंस था पवन सर के साथ बताना चाहो? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इमीजिएटली कुछ लोगों से आप कनेक्ट हो पाते हैं, तो उनसे मैं कनेक्ट हुई, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं वो मेरे और आई होप बहुत ही प्रोफेशनल है, 24 घंटे काम कर सकते हैं, मुझे नहीं पता वो सोते कब है, तो आई होप बस ऐसे ही सब लोग मिले मुझे आगे भी मेरे को। कैसे ही लाल सर के साथ भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? जी उनके साथ आने वाला है, अभी शूट बहुत जल्द होगी पर अभी मुझे नहीं पता कब शूट होने वाली है, बट आई एम श्योर वो भी लोग बहुत एक्साइटेड है हमें देखने के लिए और जल्दी वो शूट कर पाऊँ शो स्टार्ट होने से पहले। ये ईयर काफी अच्छा गया एंड क्या कुछ विशेष आपने मांगे पप्पा से? बस वो तो पप्पा को बताऊंगी और मोशन जी मेरा मैसेज पहुंचा देंगे पप्पा तक, वो आपको थोड़ा। क्या कहना, योर फ्रेंड अभिषेक इज बैक इन द टाउन, क्या प्लान्स बन गए? तो ऐसे हवा की तरह आते हैं और हवा की तरह चले जाते हैं, बट उन्हें रोकना पड़ेगा थोड़ा, तो आई होप इस बार हम लोग मिलने और प्लान बनाए और वो तो हम बनाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स के भी प्लान्स है? मेरे तो है, बाकी अभी आगे उनके क्या है मुझे। मनीषा का सॉन्ग आउट हो चुका है, काफी वायरल हो रहा है, उससे भी क्या कहना है? मैं मेरे दोनों फेवरेट एक साथ हैं, पायल देव जी मुझे बहुत मेरी बहुत फेवरेट है, मेरा लास्ट सॉन्ग उनके साथ था, तो बहुत ही प्यारी लगी मुझे उनकी आवाज में मनीषा का सॉन्ग एंड आई बस नजर ना लगे मनीषा को किसी। फैंस के लिए क्या कहना है? आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर लविंग मी ऑलवेज, बस ऐसे ही प्यार करते रहिए मुझे और अब तो आपके प्यार की और ज्यादा जरूरत है, बहुत कुछ आ रहा है और कुछ एक नई शुरुआत है, तो बस आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।